भारत और बांग्लादेश दूसरा टेस्ट दूसरा दिन टीम इंडिया ने 347 रन बनाकर पारी घोषित कर 241 रनों की लीड बांग्लादेश के सामने आ गई। बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने उतरी लेकिन शुरुआत बेहद खराब रही। अंदाजा महज इस बात से लगा सकते हैं कि चार बल्लेबाज तो 13 रनों पर ही पवेलियन लौट चुके थे। उसके बाद कुछ हालात सुधर गए, गेंद बेहद तेज हो रही थी, स्विंग कर रही थी, लेकिन बांग्लादेशी बल्लेबाज अड़कर खेलना शुरू कर चुके थे। मुशफिकुर रहीम अड़े रहे, उसके बाद महमूदुल्ला, लेकिन एक तेज गेंद ने उनको चोट दे दी जिसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट हो गई। बांग्लादेश की ओर से शुरुआती चार बल्लेबाज तो दाहिनी का अंक भी क्रॉस नहीं कर पाए। वहीं भारतीय गेंदबाजों में ईशांत शर्मा ने कहर ढार दिया, उन्होंने जबरदस्त टॉप ऑर्डर को फेल कर दिया। हालांकि अभी मोहम्मद शमी के हाथों कोई विकेट नहीं लगाए। वहीं उमेश यादव ने भी एक विकेट झटका। इससे पहले भारतीय टीम ने जब दूसरे दिन बल्लेबाजी शुरुआत की उस वक्त विराट कोहली ने अच्छा खेल दिखाया। विराट ने अपने करियर का 27वां शतक लगाया। उनका साथ दिया अजिंक्य रहाणे ने, उन्होंने 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। वह रिद्धिमान शाह 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे और जडेजा 12 रन पर आउट हो गए और इसी के साथ भारत ने 347 रन बनाए। अब देखना होगा कि तीसरे दिन बांग्लादेश कब तक अपनी हार टाल पाता है। हालांकि देखना होगा कि बांग्लादेश क्या कुछ करेगी, क्या पारेगी हार से हारेगी या फिर भारतीय टीम के सामने एक बड़ा टारगेट रखेगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।